सभी साथियों को नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भोजन कलाकार। हम मिशन गायक विशाल गाजीपुरी, गाजीपुर यूपी से। हम मिशन सिंगर सपना बाग की तरफ से नवोदय, जय भीम, जय संविधान, जय भोजन कलाकार। साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस दुनिया से आज के ही दिन उनका परिणाम हुआ था। और पूरे भारत जो देश हमारा हाथ में था, और इस बात को हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। बाबा साहब का जो संघर्ष रहा, उनका जो विचार रहा, तो मैं बाबा साहब को 66वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं कि बाबा साहब हमारे इस देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा करके और हम सभी को पशु से इंसान बनाएं। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों कि इस देश भारत देश के नहीं, इस भारत देश के सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किए, इसको ये भारत कभी भुला नहीं सकता है। बाबा साहब हमारे दिल में हमेशा हैं, और बाबा साहब उन लोगों के लिए मर चुके हैं जो बाबा साहब को देख के हमेशा परेशान रहते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको जो है कि अशब्दों से नवाजते हैं। लेकिन मेरे लिए बाबा साहेब उस समय भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे हम लोग के लिए। तो साथियों, जब तक बाबा साहब का संविधान ज़िंदा है, तब तक बाबा साहब का विचार ज़िंदा है, तब तक बाबा साहब ज़िंदा है हमारे इस देश में। और बाबा साहब के सम्मान में मुझे कहना है कि कल पीने के लिए पानी नहीं था और आज इक्वा गार्ड का पानी है। कल खाने के लिए अन्न नहीं था, आज घर घर बिरयानी है। कल रहने के लिए घर भी नहीं था, आज मोहल्लों में जिंदगानी है। ये करिश्मा किसी और का नहीं है, ये करिश्मा मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी है, बाबा साहब की मेहरबानी है। और आज हम लोग उनके ही बदौलत सब कुछ कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग कुछ गाने रिलीज नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लगातार कई दिनों से मान्यवर डॉक्टर जयप्रकाश सिंह सर के साथ में लगे हुए हैं, जो कांशीराम का विचार यात्रा बसपा का विजय चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा में, उसमें हम सब लोग साथ दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो बना करके अपने लोगों तक पहुँचाया जाए कि परिणाम दिवस पर नहीं गा पाए, कम से कम 2 शब्द उनको हम लोग जो है कि नमन कर सकें। और मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ उनके 66वें परिनिर्वाण अवसर पर। आप सभी को दुख अभिजय करती हूँ कि बाबा साहेब आज के ही दिन हमें छोड़कर गए थे। लेकिन बाबा साहेब छोड़ के गए, लेकिन उससे पहले हमें एक प्यारा सा संविधान देकर गए जिसमें हम सभी को अधिकार, मान सम्मान सब कुछ मिला। तो ये बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब तो शायद फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि लोग गाने के माध्यम से या किसी के माध्यम से बुलाते हैं कि बाबा साहेब आप दोबारा जन्म ले लीजिए, आप आ जाइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो व्यक्ति जाता है इस दुनिया से वो दोबारा नहीं आता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बाबा साहेब जो रास्ते पे चले उस रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, और उनके जो मार्गदर्शन है, जो मार्ग है उनका, जो बुद्ध के मार्ग है उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं कि बाबा साहेब ने आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समानता का अधिकार मिला, सभी को कपड़ा रोटी मकान घर सब कुछ रखने को मिला। यहाँ तक कि लड़कियों को मायके में जमीन, मतलब वो अधिकार नहीं था कि वो अपने मायके में हिस्सा ले सके, लेकिन बाबा साहेब ने अपने जाने से पहले संविधान में लिखा कि लड़कियाँ अपने मायके में भी हिस्सेदारी निभा सकती हैं, अपने मायके में भी हिस्सा देती हैं। ये बाबा साहेब की देन है और किसी के नहीं। बाबा साहेब आप महान हैं और आपकी तरह शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ, और मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ कि बाबा साहेब तुझे इंसान को ही तेरा अपमान है। खैर, आप इंसान ही थे, लेकिन बाबा साहेब तुझे इंसान को ही तेरा अपमान है, और तुझे भगवान मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तू तो भगवानों का भी भगवान है। खैर, भगवान ने हमारे लिए, तो मैं भगवान को नहीं जानती कि क्या भगवान की, लेकिन मुझे हाँ इतना पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ, और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो। बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो।
और जिसने रोशन कर दिया तेरा जिंदगानी, उसकी याद में एक दीप तो जलाया करो, एक दीप तो जलाया करो। बाबा साहेब ये बात हमेशा बोलते थे अपने स्पीच के माध्यम से, और कुछ किताबों में लिखी गई है कि बाबा साहेब बोलते थे कि मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र है कि परिवर्तन के आगाज़ का क्या होगा। अगर आप जैसे पढ़े लिखो लोग अगर पेट के पुजारी बन गए तो मेरे पीछे ये मेरे समाज का क्या होगा, बाबा साहेब का ये सपना था। और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग पूरे देश में काफ़ी लोग जागृत हो गए हैं, तो धीरे धीरे सारे लोग बाबा साहेब के मूवमेंट को समझ रहे हैं, उनकी मूवमेंट को पूरा कर रहे हैं। जय जय भारत।